अप्रूव नहीं आई है अभी इंटरनल डिस्कशन चल रही है बिटवीन डिफरेंट टीम्स तो ये मैसी होगी लेकिन यू विल बी एबल टू एस आर एस जो होता है डॉक्यूमेंट वो ड्यूरिंग कंप्लीशन कैसा होता है यानी हाउ इट लुक लाइक वेन यू आर एक्चुअली डूइंग रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट दैट्स एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल नंबर टू आई विल बी शोइंग यू एन अप्रूव एस आर एस की वो डिस्कशन हो गई सारी और क्लाइंट ने उसको फॉर्मली फर्म, अप्रूव कर दिया सो लेट्स प्रोसीड सो नाउ स्टूडेंट्स दिस इज एन एस आर एस जो बेसिकली एक टेस्ट प्रोजेक्ट है मॉड्यूल का नाम लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट वर्जन है रिक्वायरमेंट का फेज है इनिशिएटेड कब हुआ एंड सो ऑन जो आपने चीज समझनी है वो ये समझने के रिक्वायरमेंट का कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो कि हर कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा लेकिन देर विल बी सम स्टैंडर्ड थिंग कि फंक्शन रिक्वायरमेंट है नॉन फंक्शन है आउट ऑफ स्कोप है एजम्पन हैं इंट्रोडक्शन है एंड सो ऑन जो आपने चीज समझनी है और ये रिविजन हिस्ट्री है और एंड सो ऑन वो ये चीज है कि दिस इज बेसिकली अ लाइव हार्ट बीट एस आर एस ये लोगों का फीडबैक आ रहे हैं डिफरेंट लोगों के फीडबैक आ रहे हैं और ये अभी जो एस आर एस है ये अभी खत्म नहीं हुई है यानी ये अन अप्रूव्ड एस आर एस है आपको स्क्रीन नजर आ रही होंगी इसके ऊपर फिर फीडबैक नजर आ रहा है और यहाँ पे कुछ यहाँ पे लाइन कट हुई हुई है यानी अभी यूं कहना चाहिए मुझे कि ये एक अब देखें ये ये भी अगेन इट इज मतलब ये वो चीज है जो लिखी गई है फिर उकाट दी गई है And so on. और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम नजर आ रही होंगी सो ऑन ये जो एस आर एस है कि अभी वो खत्म नहीं हुआ यानी यानी उसकी जो जो completion जो होनी थी उसका इसका क्लोजर होना था लें इस डॉक्यूमेंट का वो अभी नहीं हुआ अभी लोग इसके ऊपर फीडबैक दे रहे हैं क्योंकि जब एस आर एस को हम लोग कहते हैं इट इज अप्रूव्ड या क्लोज तो कमेंट नहीं हुआ करते नीट एंड क्लीन ये जानबूझ के मैंने आपको दिखाई इट इज असी एस आर एस क्योंकि ये एक लाइव वर्जन है लोग इसके ऊपर डिफरेंट कमेंट दे रहे हैं हो सकता है जो फाइनल वर्जन निकले उससे बहुत फर्क हो यानी जब हम इसको क्लीन आउट कर लें या वो डिफरेंट लोगों का एग्रीमेंट हो जाए अमूमन कमेंट उसी वक्त आते हैं जब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं अगर इस इसपे एग्रीमेंट हो जाएगा देन इट विल बी फाइनलाइज अभी ये फाइनलाइज नहीं है तो नाउ जस्ट टू रैप अप जो हमने अभी एस आर एस वन देखी है इट वॉज अ मेसी सॉर्ट ऑफ एस आर एस उसके अंदर डिफरेंट लोगों के कमेंट्स आ रहे थे अभी वो, वो फाइनल नहीं थी लेकिन जो आप में चीज समझनी थी वो ये थी कि, कि कोई ना कोई उसका टेम्पलेट है कोई ना कोई स्ट्रक्चर उसको दिया हुआ है ताकि लोगों का जो भी फीडबैक आएगा वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आएगा अब जो मैं आपको एस दिखा रहा हूं इसको हम लोग बोलते हैं लीन एस या अप्रूवड एस उसमें आपको इस तरह के कमेंट्स नहीं मिलेंगे इट विल इट विल एक्ट सॉर्ट ऑफ बेस यानी कि एक बेंच हो गया है इसको क्लाइंट ने अप्रूव कर दी यानी इस डॉक्यूमेंट का क्लोजर हमारे पास आ गया सो जस्ट सी ओके जी नाउ यू आर द एस एस विच यू आर व्यूइंग ऑन द स्क्रीन अब ये एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डेट्स आ रही हैं अप्रूवर का नाम आ रहा है उसके बाद अब ये सेक्शन देखें ओवरव्यू एजम्स रिक्वायरमेंट मॉड्यूलिस्ट रेफरेंस बिजनेस रिक्वायरमेंट फंक्शन रिक्वायरमेंट हर कंपनी में जो टेम्पलेट का फॉर्मेट होता है वो यूनिक नहीं होता डिफरेंट होता लेकिन द हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ये नहीं हो कि हर बंदा डिफरेंट तरीके से यूज कर रहा है तो दिस इज अनदर वर्जन ऑफ रिक्वायरमेंट लेकिन अब इसमें देखें इसमें कोई आपको कमेंट्स नजर नहीं आ रहे कोई कमेंट्स आपको नजर नहीं आ रहे इट इज अ नीट एंड क्लीन एस आर एस जो कि क्लाइंट ने अप्रूव कर दी हुई है और इसके अंदर आपको कोई मेस नजर नहीं आ रहा नीट क्लीन SRS, जिसके अंदर आपको यूज केस भी नजर आ रहे होंगे यूज केस लैंग्वेज नजर आ रही होगी और डिफरेंट चीजें आपको नजर आ रही होंगी लेकिन दे विल नो फीडबैक नाउ कमेंट्स नहीं है इसके अंदर जो चीज अप्रूव होनी थी अप्रूव हो गई जो चीज रिजेक्ट होनी थी वो रिजेक्ट हो गई और इसके अंदर आपको यूज केसेस नजर आ रहे हैं एंड इट शॉर्ट ऑफ लेंथी एसआरएस इसके एटी टू पेजिज है तो इसके डिफरेंट यूज केसेस है लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देर टू बी सम सम स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड नंबर नंबर समर्ड इट शुड नॉट बी अ लाइव डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग कहते हैं कि क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया वो कभी भी लाइव डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करता क्योंकि जब क्लाइंट ने एक चीज की अप्रूवल कर दी इट हैज टू बी समवेयर जो कि अब क्लाइंट उसको चेंज ना कर सके यानी व्यू कर सके लेकिन क्लाइंट या कोई भी इनफैक्ट इवन क्लाइंट या डेवलपर या प्रोजेक्ट मैनेजर वो सिर्फ अब व्यू कर सके क्योंकि अब ये जब डॉक्यूमेंट का क्लोजर आ जाता है तो वो डॉक्यूमेंट एज अ रेफरेंस बन जाता है यानी लोग उसको व्यू करते हैं रेफर करने के लिए चेंज नहीं हुआ करता कभी जो क्लोजर का डॉक्यूमेंट होता है या जो क्लोज डॉक्यूमेंट होता है वो कभी भी चेंज नहीं हुआ करता अगर चेंज हो गया तो वो बेस नहीं रहेगा यानी उसमें वो डाटा भी आ जाएगा जो क्लाइंट ने अप्रूव नहीं किया हुआ तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोजर ऑफ अ डॉक्यूमेंट जस्ट टू रैप अप बोथ द अपल्स जो भी एस आर एस बनती है एट द एंड ऑफ द डे उसका जो क्लोजर पॉइंट हुआ करता है ना दैट इज द क्लाइंट साइड यानी इंटरनल टीम का एग्रीमेंट हो गया जब तक क्लाइंट का एग्रीमेंट नहीं होगा दैट इज द क्लोजिंग पॉइंट मतलब ये है कि क्लाइंट से आपने सम हाउ किसी फॉर्म में मतलब नॉट वर्बल रिटर्न फॉर्म में ई की फॉर्म में कोई अगर टूल यूज करें उसमें आपने अप्रूवल करवानी है द क्लाइंट हैज टू एक्सप्लिस अप्रूव द एस आर एस अदरवाइज वो वो कभी भी जो एस आर एस होगी वो क्लोजर नहीं आएगी दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी फेज रीजन के क्लाइंट को पता होता है कि जिस चीज को वो अप्रूव कर रहा है उसके अलावा अगर कोई वो चीज मांगेगा तो इट विल बी इट विल नॉट बी फ्री विज एन टू चार्ज हिम क्योंकि वो उसने आउट ऑफ स्कोप बात कर तो ये बड़ा ट्रिकी चीज है लेकिन अगर एक बार क्लाइंट अप्रूव कर देता देन द कंपनी एंड क्लाइंट बोथ आर ऑन सेफ साइड एक्चुअली कि दे आर नाउ दे दे नो कि व्हाट नीड टू डेवलप एंड व्हाट दे नीड टू डिलीवर विद इन द टाइमलाइंस